हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, यहाँ जो पेड़ हैं शीशम के, और बहुत बड़ा बगीचा है, कई एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है। और मैं यहाँ की हरी चाय पत्ती तोड़ रही हूँ, क्योंकि अभी ये ख़राब हो गया है पूरा बगीचा, जो दोबारा से फिर लगेगा। और मैं इसके पत्ते तोड़ रही हूँ। बहुत ही फ़ायदा करती है, क्योंकि नेचुरल चाय है। इसको मैं पत्ते ले जाकर सुखाऊंगी और धो के सुखाऊंगी, और जब भी चाय बनानी होगी तो मैं इसको इस्तेमाल करूंगी। बहुत ही चाय में बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है, बहुत नेचुरल चाय है। अभी शायद ये बगीचा फिर से ठीक ठाक हो जाए, बहुत कई एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है। देखिए, इस तरह की चाय होती है, तो मैं तोड़ रही हूँ चाय को। इसको लेकर ले जाकर धो के फिर मैं सुखाऊंगी और फिर इसको रख दूंगी और इसकी चाय फिर इस्तेमाल करूंगी। ये देखिए, यहाँ शीशम के पेड़ हैं, साल के पेड़ हैं, शीशम के, नीम के, और बहुत बहुत सारे पेड़ हैं। मैं यहाँ के चाय पत्ती तोड़ रही हूँ। इस जगह देखिए, बहुत सारे, पूरा कई एकड़ में फैला हुआ है। इस जगह जो है बहुत कई कई एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ का मौसम भी बड़ा अच्छा है, अभी गर्मी स्टार्ट नहीं हुई है, धूप तेज है, तो शाम से बहुत ठंड लगती है। यहाँ पे बड़ा अच्छा मौसम होता है देहरादून का, तो यहाँ पर जरूर घूमने आए तो FRI है और सेना एकेडमी है, यहाँ पे बहुत कुछ है जो आपको देखने को मिलेगा। चाय पत्ती तो मतलब नेचुरल चाय पत्ती है, इसको मैं इसे तोड़ के ले जा रही हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली रहती हूँ, तो यहाँ से तोड़ के, ये मेरा माँ का घर है, तो मैं यहाँ पे आई हूँ और इसको लेके जाऊँगी दिल्ली, धो के सुखा के रख दूँगी, तो जब भी चाय बनाऊँगी तो इसको मैं इस्तेमाल करूँगी। और बहुत अच्छी चाय होती है इसकी, ये नेचुरल चाय है। ये देखिए, बहुत बड़े पेड़ है, बहुत कई एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है, कई एकड़ ज़मीन में फैला हुआ। तो मैं यहाँ से खूब सारे चाय पत्ती लेके जाऊँगी और फिर इसको सुखा के रख दूँगी, और सूख के ये थोड़ा उसको हाथ से कस करके तो ये एकदम मुलायम हो जाएगी, और ये फिर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। ये देखिए, बहुत सारे चाय पत्ती है। ये चाय पत्ती के पौधे, ये सारा चाय पत्ती है, कई एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है। तो मैं इसको तोड़ कर जाऊँगी और धो के सुखाऊंगी। इसके पत्ते थोड़ा ऊपर के पत्ते, जो मुलायम पत्ते हैं, उनको तोड़ना पड़ता है, फिर से चाय बनती है। क्योंकि यहाँ पे चाय बगीचा था बहुत पहले, अभी थोड़ा, अभी इसकी कोई वो नहीं, मतलब बिक गया है और उसमें अब हो नहीं रहा है, तो जिसका जो पहले था, जिसका इस मालिक का, वो खूब चाय पत्ती टूटती थी और जाती थी,
और देखिए बहुत ही अच्छा है। अब पेड़ पौधे भी सूख गए हैं, पीपल का पेड़ है, बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर देहरादून में जरूर घूमने आए और आपको बहुत अच्छा लगेगा, और इसका मज़ा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे चाय उगाना बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।